इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सकल दिगंबर जैन समाज बीच, जिला डूंगरपुर, राजस्थान। जय जिनेंद्र। दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने जिनबाड़ी चैनल पर। दर्शकों, राजस्थान राज्य के डूंगरपुर जिले की तहसील सीमलवारा के गांव पीठ स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 22 से 27 मई 2023 के मध्य परम पूज्य मुनि श्री 108 आज्ञा सागर जी गुरुदेव ससंग के पावन सानिध्य में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ आयोजित किया गया। इस 6 दिवसीय कार्यक्रम में स्थानीय जैन उपासकों के अलावा दूर दराज से पधारे भक्तों ने भी पुण्य लाभ अर्जित किया। तो आइए दर्शकों, बिना देरी किए देखते हैं इस भव्य महोत्सव के मंगलकारी दृश्य। परम पूज्य मुनि श्री 108 आज्ञा सागर जी गुरुदेव ससंग के पावन सानिध्य में 22 से 27 मई 2023 के मध्य राजस्थान की धर्मधरा डूंगरपुर की तहसील सीमलवारा के गांव पीठ स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सफेद पाषाण एवं 7 शिखरों से युक्त विशाल मंदिर श्री 108 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर के पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने इस भव्य कार्यक्रम की शुरुआत प्रभु को पालकी में विराजमान कर भव्य शोभा यात्रा के साथ की। बैंड बाजों की स्वर लहरियों के मध्य निकाली गई शोभा यात्रा में पालकी में विराजमान प्रभु, हाथी एवं घोड़ों पर सवार श्रद्धालु, मंगल कलश शिरोधार्य किए श्राविकाएं, हाथों में धर्म ध्वजा लिए जिनेंद्र भक्त गंतव्य की ओर रवाना हुए। शोभा यात्रा के समारोह स्थल पहुंचने पर विशिष्ट जनों ने विधिवत क्रियाएं कर ध्वजारोहण एवं फीता खोलकर समारोह स्थल का उद्घाटन किया। धर्म की ध्वजा रही लहरा, धर्म की ध्वजा रही लहरा, जैन धर्म की पुण्य पताका भक्तों को हर्षाय। धर्म की ध्वजा रही लहरा, धर्म की ध्वजा रही लहराए। सारे विश्व में शान से फहरे, भक्तों के दिल में ये लहरे, नील गगन में लहराती ये, नील गगन में लहराती। कार्यक्रम की अगली कड़ी में सौभाग्यशाली श्रावकों ने प्रभु का अभिषेक एवं शांति धारा कर सर्व शांति की कामना की। चलचित्र दोषान् सर्व अग्निभय चोरभय जल सर्प व्याधिभयम् सर्वामारी कृतोपद्रवान् सर्व भैरव देव दानव वीर नार नरस्य योगिनी कृत विघ्नान्। श्रद्धालुओं ने जहां गुरुवर को श्रीफल समर्पित किए तो वहीं विशिष्ट जनों ने गुरुवर के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलित किया। अगले क्रम में श्राविकाओं ने मंगलाचरण की सुंदर प्रस्तुति से समारोह का वातावरण भक्तिमय कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। जन्म ते जहां वो पंद्र कर्म भूमि
खुशी वहाँ है धर्म साधना वहाँ। नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम पुरुषों में सिंह सम लोक में उत्तम चरण अंगूठे ये मेरु कम पाए सिंहासन डोलता है इंद्र का भी होते जब प्रभु के कल्याणक मेरे घर के मेरे घर के आगे भैरुनाथ तेरा मंदिर बन जाए मेरे घर के आगे भैरुनाथ तेरा मंदिर बन जाए जब खिड़की खोलू तो तेरा दर्शन हो जाए जब खिड़की खोलू तो तेरा दर्शन हो जाए मेरे घर के मेरे घर के मेरे घर के आगे भैरुनाथ तेरा मंदिर बन जाए मेरे घर के आगे भैरुनाथ तेरा मंदिर बन जाए। अब समय आया गुरुदेव की अमृतवाणी का। परम पूज्य मुनिश्री 108 आज्ञा सागर जी गुरुदेव ने प्रसंगों के माध्यम से श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक ज्ञान का बोध कराया। मनुष्य देव तिर्यंच आदि तीन गति का तीन लोक का जीव मिल करके उत्साह के साथ आनंद के साथ उल्लास के साथ बड़े भक्ति और भाव के साथ जिस क्रिया को मनाया जाता है इसको क्या कहते हैं महोत्सव। सामान्य उत्सव नहीं है ये महा उत्सव है महोत्सव है। इसी प्रकार ये तीर पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव का अर्थ आपने संक्षिप्त में मैंने बहुत संक्षिप्त में कहा विस्तार से करना हो तो पंचकल्याण अपना पांच दिन में नहीं होगा विस्तार से करने तो कम से कम पंचकल्याण पहले जमाने में एक महीने का 27 दिन का और 21 दिन का कम से कम 11 दिन का और 9 दिन का 7 दिन का पंचकल्याण होता था। अग्रिम कड़ी में श्रावक श्राविकाओं ने विधान मंडल की मांगलिक क्रियाओं को करने के साथ मंडल जी पर श्री फल समर्पित कर प्रभु भक्ति का आनंद लिया। सायकाल में श्रद्धालुओं ने भव्य शोभा यात्रा निकाली तो वहीं श्रावक श्राविकाओं ने श्री जी एवं गुरु जी की मंगल आरती कर अपने भाव प्रकट किए। कार्यक्रम के मध्य कमेटी पदाधिकारियों ने परम पूज्य पीठाधीश स्वस्ति श्री रविन्द्र कीर्ति स्वामी जी एवं विशिष्ट जनों को तिलक लगाकर एवं धर्म पट्टिका पहनाकर सम्मानित किया गया। आपका स्वागत है श्रीमान आपका स्वागत है श्रीमान आपका स्वागत है श्रीमान आपका स्वागत है श्रीमान।
कार्यक्रम में अब समय आया गर्भ कल्याणक प्रसंग का। सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी के साथ दरबार में उपस्थित हैं। तभी अचानक अलौकिक ज्योति पुंज दिखाई देती है। सौधर्म इंद्र सिंहासन से खड़े होते हुए अवधि ज्ञान लगाने के बाद साष्टांग प्रणाम करते हैं। वहीं सची इंद्राणी के पूछने पर बताते हैं कि 15 माह बाद हस्तिनापुर के महाराजा विश्वसेन के कुल को उज्जवल करने वाले तीर्थंकर बालक का अवतरण होने वाला है। ए स्वामी, आपने किसको नमस्कार किया? यहाँ तो कोई दिख नहीं रहा है, नहीं आगे, नहीं कोई पीछे, नहीं ऊपर, कोई नीचे, फिर आपने किसको नमस्कार किया? ये समय सूचना दे रहा है, यह ज्योतिपुंज हमारे लिए शुभ शुभ का संदेश लेकर आया है। वह दिव्य पुरुष आज से 15 माह बाद इस पृथ्वी लोक पर अवतरित होगा। इसी क्रम में सौधर्म इंद्र की आज्ञा पाकर धनपति कुबेर ने शिल्पकारों से सुंदर हस्तिनापुर नगरी की रचना करवाकर बहुमूल्य रत्नों की वर्षा की और सौधर्म इंद्र के आदेश पर स्वर्ग से आई अष्टदेवियां माता की सेवा में लग जाती हैं। तत्पश्चात रात्रि के समय निद्रा में लीन माता को 16 स्वप्न दिखाई दिए। भाई बहन देखो, की रचना अपार देखो, चारों तरफ जय जयकार देखो, नगरी की रचना अपार देखो। देखी जी मन सोला सपन, हो पहले सपन में हाथी देखा, श्वेत रूप है वाला, जिन जननी सपने में देखे ऐरावत मत वाला, झूम उठा जैसी धरती गगन। अगले दिन सुबह माता के जागने पर अष्टदेवियों ने उनको नभन कराया, साथ ही उनका श्रृंगार किया। हाथों में अपने कंगी ले आए श्री देवी, हाथों में अपने कंगी ले आए, केश बनाकर माता जी को मन में इठलाए, केश बनाकर माता जी को मन में मुस्काए, माता का श्रृंगार श्रृंगार श्रृंगार, माता का श्रृंगार श्रृंगार श्रृंगार, ये अष्ट कुमारी का। अगली कड़ी में महाराजा विश्वसेन अपने दरबार में सेना व्यवस्था देख रहे थे। तभी माता दरबार में पधारी और महाराज को 16 स्वप्न के विषय में बतलाया और माता के पूछने पर महाराजा विश्वसेन ने 16 स्वप्नों के फलादेश बताए। हे आर्य, मैं अपने शयन कक्ष में निद्रा में मग्न थी कि रात्रि के अंतिम प्रहर में ब्रह्म मुहूर्त की उस पावन बेला में मैंने एक से एक सुंदर से सुंदर 16 स्वप्न देखे हैं। पता नहीं वे स्वप्न किस सूचना के प्रतीक है। हे देवी, प्रथम स्वप्न के रूप में सप्त सुंड से युक्त मेघ समान गर्जना करते हुए सफेद शुभ्र ऐरावत को देखने से उत्पन्न होने वाला पुत्र त्रैलोक के पूज्य होगा। इसके पश्चात श्रद्धालुओं ने माता की गोद भराई की रस्म को अत्यंत भक्ति भाव पूर्वक संपन्न किया। भक्तों ने फल वस्त्र मिष्ठान इत्यादि से माता की गोद भरकर पुण्य लाभ लिया। उस प्यारे प्यारे मुखड़े को, इस चंदा जैसे मुखड़े को चंदा की नजर ना लग जाए। धज धज कर बैठी माँ जैसी मंद मंद मुस्काए, सच धज कर बैठी। गोद भराई के उपरांत श्रद्धालुगढ़ शोभा यात्रा को मंदिर जी लेकर पहुँचे, जहाँ उन्होंने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में विधि शुद्धि की मांगलिक क्रियाओं को कर हवन में आहुतियाँ अर्पित की। पवित्र जलादि पूर्ण
अगले क्रम में महानुष्ठान में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अशोक गहलोत जी का विशिष्ट जनों द्वारा अभिनंदन किया गया। वहीं श्री अशोक गहलोत जी ने गुरुवर को नमन वंदन कर उपस्थित जनों को महावीर भगवान के सिद्धांतों के विषय में बतलाया। अभी आपकी जो वाणी है, जो विचार है, वो हम सबके लिए प्रेरणा के स्रोत है। सत्य अहिंसा जो है उसका कोई, गांधी जी जब थे तो जो मैं कई बार नाम लेता हूँ उनका, तो मुझे मालूम है कि वो भी जैन संत जो थे, श्रीमद् राजचंद्र जी महाराज धर्मपुर गुजरात के अंदर, उनसे प्रेरणा लेके वो सत्य अहिंसा अपरिग्रह अस्त्र की बात उन्होंने करी। उसका आधार बना के उन्होंने देश की आज़ादी का आह्वान किया। देश और दुनिया के अंदर उन्होंने संघर्ष किया, सत्य व अहिंसा के नाम पे किया। अफ्रीका के अंदर काले गोरे का भेदभाव था, उनके खिलाफ में भी संघर्ष किया, तो वही भगवान महावीर के सिद्धांत थे सत्य अहिंसा के, उसको लेके ही वो आगे बढ़े और कामयाब हुए। और ये संदेश ऐसा है जिसका लोहा पूरी दुनिया मानती है। गुरुदेव, ये हमारे लिए बहुत गौरवशाली क्षण है कि एक तरफ भगवान शांतिनाथ की मंदिर की प्रतिष्ठा हो रही है और भगवान शांतिनाथ, भगवान महावीर और हमारे 24 तीर्थंकरों ने एक संदेश दिया, जियो और जीने दो। और उस जियो और जीने दोनों की 2500 साल की उस वाणी को आज दिन तक इस राजस्थान के अंदर कोई जिंदा रख रहा है तो वो राज अशोक गहलोत का है। और वो अशोक गहलोत जी आज हमारे बीच में यहाँ पर पधारे हैं। वहीं दूसरी ओर श्रावक श्राविकाओं ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन एवं मंत्रोच्चारण के मध्य अत्यंत भक्तिभाव से श्री जी को अर्घ्य समर्पित किए। अनुपम मोक्ष फल के हेतु को जो आज में देवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा करें, सबसे दिन मंगल पाए शिव का। अब समय था जन्म कल्याणक प्रसंग का। सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी के साथ दरबार में उपस्थित है, तभी उनका अचानक सिंहासन कंपायमान होता है। शची इंद्राणी के पूछने पर सौधर्म इंद्र हस्तिनापुर में तीर्थंकर शांतिनाथ जी के अवतरण की जानकारी देते हैं। इस जानकारी पर दरबार में हर्षोल्लास छा जाता है। स्वामी, आप अचानक, आपका आसन क्यों कंपायमान हुआ, क्या कारण है? जगत पिता परमेश्वर तीर्थंकर भगवान का, जीवों का उद्धार करने वाला, आपसे 15 माह बाद आज ही मध्य लोक के भरत क्षेत्र के आर्यखंड की हस्तिनापुर नगर में विश्वसेन के कुल के उज्ज्वल करने वाला त्रिलोक के पूज्य तीर्थंकर प्रभु का अवतरण। जय हो। इधर हस्तिनापुर में महाराजा विश्वसेन के दरबार में शहनाइयां बज रही हैं और बधाइयां गाई जा रही हैं। तभी सौधर्म इंद्र दरबार में पहुंचते हैं। अगले क्रम में प्रभु को पांडुशिला पर विराजमान कर सौधर्म इंद्र एवं अन्य इंद्रगणों द्वारा 1008 कलशों से तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक किया गया। झूमे नाचे हर शिपना हुआ प्रभु का नमन, नाच छम 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 सब प्रभु की दिखाने लगे। देखो मिली सद गम तर रम पम पम सभी हर शिमाने लगे। ओम प्रेम क्षीर गुरी तेन मणि में मंगल कल सेन भगवत अर्ह प्रतिकृति स्वाहा।
प्रेम शेरपुरी देना मनी में मंगल कल चेना भगवत अर्थ प्रतिकृति स्नप्यामा स्वाहा ओम रिम वारिपुरी तेना मनि में मंगल कल चेना भगवत अर्हत प्रतिकृति स्नप्यामा स्वाहा। जन्माभिषेक के बाद श्रावक श्रेष्ठियों ने संगीत बद्ध वातावरण में मंगल दीपों से प्रभु एवं गुरुवर की आरती कर अपना जीवन धन्य किया। किशरी जिन राजा भगदति बार उतार जहाजा दूसरी आरती से तन केरी सुमिरन करत मिटत भव फेरे इसलिए बाबा तेरी आरती करूं आरत करो रत्नों के दीपक लेके आरत करो जी बाजे झम 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 झमा झम बाजे घुंघरू हे बाजे घुंघरू ओ हाथों में दीपक लेके आरती करो अब वह समय आया जिसकी सभी को प्रतीक्षा थी यानी प्रभु को पालना झुलाने की भक्तों ने तीर्थंकर बालक को पालना झुलाकर अपनी मनोकामना पूर्ण की झूल रहो ए रमा को लाला झूल रहो ए रागो लाला कमल नयन जिनके होंठ हैं गुलाल हाय हाय रत्नों का पलना हाय हाय रत्नों का पलना रत्नों के पलने में खुद न लाल ला झूल रहे ए रमा को लाला ए रत्नों का पलना रेशम डोरी 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 मैं तो पलने में पुतना लगा आई महलों में ही पलना झूला आई महलों में ही पलना झूला आई। कार्यक्रम की अगली कड़ी में महाराजा शांतिनाथ जी के मन में वैराग्य भाव उत्पन्न होते हैं और वह वन गमन का निश्चय करते हैं। माता पिता के रोकने के बावजूद भी वह अपने निर्णय पर अड़िग है। भक्त उन्हें पालकी में विराजमान करते हैं। मुझे इतना ना तड़पाओ। तीर्थंकर भगवान जब नगरी से निकले आम्र वन की ओर हस्तिनापुर नगरी समस्त प्रजाजन रो रही है प्रजा विचार कर रही है ऐसे कैसे कामदेव संसार को छोड़ सकते हैं। पालकी उठाने को लेकर मानव एवं देवों में हुई बहस को गुरुदेव सुलझाते हैं और गुरुदेव के निर्णय के अनुसार प्रथम मानव और फिर देव पालकी लेकर जाने की आज्ञा प्राप्त करते हैं। पालकी हम उठाएंगे नहीं, नहीं। ये अधिकार हमारा है पालकी नहीं नहीं हे मनुष्य गणो हे राजा गणो ये अधिकार हम इंद्रों का है ये पालकी हम उठाएंगे हम नहीं हे इंद्रो हम उठाएंगे मैं इंद्रो हूँ मैं उठाऊंगा नहीं अधिकार मेरा होता नहीं नहीं इंद्रो भले ही आपने प्रभु के गर्भ कल्याणक जन्म कल्याणक आदि मनाया है लेकिन ये हमारे राजा है हमारे बीच के है पालकी हम उठाएंगे नहीं नहीं हम उठाएंगे नहीं नहीं ये पालकी उठाने का अधिकार हम इंद्रों का है आप पीछे हट जाइए ये पालकी हम नहीं नहीं पीछे आप हट जाइए पालकी हम उठाएंगे पालकी हम उठाएंगे। इधर वन पहुंचने पर भोग संयोग की ओर चले तीर्थंकर शांतिनाथ का गुरुदेव दीक्षा संस्कार करती हैं। वैराग्य राह पर चलने को वैरागी हुआ तैयार है ये दीक्षा संस्कार है ये दीक्षा संस्कार है ये दीक्षा संस्कार है ये दीक्षा संस्कार है
धर्म समर्पित किया लाल को, धर्म समर्पित किया लाल को, धन्य हुआ परिवार है ये दीक्षा संस्कार। अब समय था आरती का। संगीत बद्ध स्वर लहरियों के मध्य श्रावक श्रेष्ठियों ने मंगल दीपों से प्रभु एवं गुरुवर की आरती कर मंगल भावना भाई। इसीलिए बाबा तेरी आरती करो, आरती करो, रत्नों के दीपक लेके आरती करो जी। बाजे छम 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 बाजे घुंघरू, हे बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। आरती के पश्चात सांध्या बेला में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिनमें सामूहिक भक्ति नृत्य एवं लघु नाटिका ने उपस्थित जनों को मंत्रमुग्ध कर दिया। संसार त्याजी ने मुझे चाला धरी पावन केड़ी, स्वीकारो प्रभु मेरा मंत्रणम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, चंदना की तरह हम बुलाते नहीं, चंदना की तरह हम बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, मैया त्रिशला के जैसे सुलाते नहीं, मैया त्रिशला के जैसे सुलाते नहीं। आयो रे शुभ दिन आयो रे, Earth! I say it! Earth!
मैं तुझे लेने आया हूँ। ऐसे मैं तेरा काल हूँ, मैं तेरी मौत हूँ। कौन हो तुम? हम है यम। क्या यम? हाँ। तुम यहाँ किस लिए आए? मैं तेरा काल हूँ। मेरा काल? चल तू पीछे हो जा। मैं तेरा काल हूँ। तू यहाँ किस लिए आया है? मैं तुझे यमलोक की यात्रा करवाने आया हूँ। क्या यमलोक की यात्रा? हाँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। इसके उपरांत श्रावक श्राविकाओं ने महामुनिराज शांतिनाथ का पड़गहन कर श्रद्धा भाव से आहार चर्या कराई। कभी कभी मुनिराज को भी, कभी कभी ऋषिराज को भी श्रावक से काम पड़े। ले संयम की काया को भक्तों के द्वार खड़े गुरुदेव, गुरुदेव। केवल्य ज्ञान उत्पन्न होने पर तीर्थंकर शांतिनाथ जी का समाचरण लगा, जिसमें तीनों लोक से देव, मानव, दानव एवं पशु पक्षी प्रभु की दिव्य ध्वनि श्रवण करने आए। समोशरण में आ जा। तत्पश्चात समक्षरण में गिरधर के रूप में विराजमान गुरुदेव ने प्राणियों के कल्याण के लिए दिव्य देशना दी और श्रद्धालुओं की जिज्ञासाओं का समाधान किया। का मुहूर्त 22 मई से 27 मई निकला गया। इसके बाद में हम सभी गांवों में पत्रिका देने गए, सबको निमंत्रण देने के लिए गए। सभी ये कहते थे कि बहुत गर्मी पड़ेगी, तापमान 50 हो जाएगा, 51 हो जाएगा, बड़ी परेशानी आएगी। लेकिन आज हमें ऐसा लग रहा है कि सर्दियों में प्रतिष्ठा हो रही है, ऐसा तापमान आज लग रहा है सुबह से, इसका क्या कारण है? पीठ गांव के अंदर पीठ गांव वालों को, नगर वासियों को वर्तमान में बड़े बड़े आसपास में विद्यमान है। ऐसा आचार्य वर्धमान सागर जी गुरुदेव, आचार्य कनक नंद जी गुरुदेव, आचार्य सुंदर सागर जी गुरुदेव, अन्य भी मुनिगण, आर्य कवरन, सभी साधुओं का आशीर्वाद मिला और सभीों का वात्सल्य मिला और आप लोगों का पुण्य से जब प्रकृति ही साथ दिया तो अन्य विकृति आने का संभव नहीं है। ये भी आप लोगों का भावना और पुण्य का ही फल है। इसके उपरांत श्रावक श्राविकाओं ने समक्ष शरण के साथ प्रभु एवं गुरुवर की मंगल आरती कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। सुमिरन करत मिटत भव फेरे, सुमिरन करत मिटत भव फेरे, तीसरी आरती सोर मुनिंदा, तीसरी आरती सोर मुनिंदा, जन्म मरण दुख दूर करिंदा, जन्म मरण दुख दूर करिंदा। इसीलिए बाबा तेरी आरती करूं, आरती करो रत्नों के दीपक लेके आरती करो। जी बाजे झम 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 बाजे घुंघरो, हे बाजे घुंघरो, ओ हाथों में दीपक लेके आरती करो। चौथी आरती सिरियो बजाया, चौथी आरती सिरियो बजाया, दर्शन देखत पाप बनाया, दर्शन देखत पाप बनाया। पांच आरती साधु तुम्हारे, पांच आरती साधु तुम्हारे, उम्मति विनाशन शिव अधिकारे, उम्मति विनाशन शिव अधिकारे, उम्मति विनाशन शिव अधिकारी साचा तेरा है दरबार। आरती के बाद कमेटी पदाधिकारियों द्वारा विशिष्ट जनों का भव्य स्वागत अभिनंदन किया गया। पूजा अर्चना के साथ तीर्थंकर प्रभु का मोक्ष कल्याणक प्रसंग को दर्शाया गया। तीर्थंकर शांतिनाथ जी के मोक्ष गमन करने के पश्चात अग्नि कुमार देवो ने अपने मुकुट से अग्नि प्रज्वलित कर अग्नि संस्कार की क्रियाएं पूर्ण की। और सुंदरम ओ परम परमेश्वरम, चरणों में शतवंदनम,
तुम ही हो सत्यम शिवम और तुम हो सुंदर। महामहोत्सव के समापन बेला में विश्व शांति महायज्ञ किया गया। सौभाग्यशाली श्रावक श्राविकाओं ने हवन में आहुतियां देकर विश्व में सुख शांति एवं समृद्धि की मंगल कामना की। ओम रे मरमणो व्यूल प्रत्यापत्ताड़म जरम जरम नमः। ओम रे मरमणो विचाराणम जरम जरम नमः। ओम रे मरमणो चारणम जरम जरम नमः। ओम रे मरमणो पंड समराणम जरम जरम नमः। ओम रे मरमणो आकाशगामीणम जरम जरम नमः। ओम रे मरमणो आशी विशाणम जरम जरम नमः। ओम रे मरम नमो दिट्टि विशालम जरम जरम नमः। ओम रे मरम नमो उग्रतवालम जरम जरम नमः। ओम रे मरम नमो दित्ततवालम जरम जरम नमः। ओम रे मरम नमो तत्ततवालम जरम जरम नमः। ओम रे मरम नमो महातवालम जरम जरम नमः। ओम रे मरम नमो गोरगुलाड़म जरम जरम नमः। ओम रे मरम नमो गोरगुलाड़म जरम जरम नमः। ओम रे मरम नमो गोर पर इसके पश्चात गुरुदेव ने नवीन मूर्तियों में संस्कार रोपित किए। तिथि प्रवृत्त लोक यात्रा स्थितो तिथो सौख्य करा प्रसन्ना। तिथिश्वरा यक्ष मुख प्रतीक्षा तेसु प्रसन्ना वरदा भवन्तु। मेरु परितेव चरन्ति नित्यम् एनि ग्रहानो ग्रहणाद्रु लोके। अवस्थिताय वैरक मोक्षा देशो प्रसन्ना वरदा भवन्तु। अगली कड़ी में श्रद्धालुओं द्वारा मंडप प्रतिष्ठा की मांगलिक क्रियाओं को कर प्रभु को वेदी पर विराजमान किया गया। इस दौरान श्री मुकेश कुमार जी कोठारी परिवार ने मंडल जी पर मंगल कलश स्थापित कर अखंड दीप प्रज्वलित किया। दर्शकों, आज आपने राजस्थान राज्य के डूंगरपुर जिले की तहसील सीमलवाड़ा के गांव पीट स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 22 से 27 मई 2023 के मध्य आयोजित पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के भक्ति से ओतप्रोत दृश्यों को निहारा। बताते चले कि इस 5 दिवसीय महामहोत्सव में भक्तों को परम पूज्य मुनि श्री आज्ञा सागर जी गुरुदेव ससंग का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। ये कार्यक्रम पूर्ण भक्ति उत्साह के साथ सानंद संपन्न हुआ। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः आपसे भेंट होगी ऐसे ही किसी अन्य धार्मिक कार्यक्रम के साथ। आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री सकल दिगंबर जैन समाज बीच जिला डूंगरपुर राजस्थान।